के टू द पावर 6 प्लस 15 के टू द पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के प्लस 1 अपॉन के इज, ठीक है, के प्लस 1 अपॉन के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हम क्या करें, यहाँ पर हम सबसे पहले ऐसा करें कि ये जो 8, ये जो हमारा दिया हुआ है 8 के टू द पावर 6 प्लस 15 के टू द पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हम फैक्टर करने की कोशिश करें। तो क्या है, यहाँ 8 है, 8 दूनी 16, ठीक है, यानी यहाँ हम 16 के टू द पावर क्यूब माइनस के टू द पावर क्यूब करें तो ये 15 के टू द पावर क्यूब हो जाएगा। तो यानी हम ऐसा लिख सकते हैं 8 के टू द पावर 6 प्लस 16 के टू द पावर 3 माइनस के टू द पावर 3, इस 15 को 16 के टू द पावर 3 माइनस के टू द पावर 3 लिख दिया, ठीक है, जैसे हम लोग द्विघात समीकरण में गुणनखंड में ये करते थे उसी प्रकार, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, इसमें क्या है, इसमें 8 के कॉमन आ जाएगा, 8 के कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, 8 के टू द पावर क्यूब कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 8 के टू द पावर क्यूब कॉमन हो जाएगा तो ये हमारा बचेगा के टू द पावर क्यूब प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अगर हम माइनस 1 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, के टू द पावर क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 8 के टू द पावर क्यूब माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, के टू द पावर क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें k की केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है ना, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी 8 के टू द पावर क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये तो ले नहीं सकते क्योंकि के टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, के टू द पावर क्यूब हो जाएगा 1 अपॉन 8, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 2 आ गई, ठीक है, k की वैल्यू हमारी आ गई 1 अपॉन 2। तो अब हम क्या करें, हमें निकालना क्या है, k प्लस 1 अपॉन k ही तो निकालना है, k की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 2, और 1 अपॉन k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन 2, ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ आप देखिए ये ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है।